हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी टीचर्स डे। वही देखिए, आज हमने बनाए थे आलू के पराठे, तो बीच में मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू के पराठे। तो वही देखिए, ये हमने अपनी लोई में आलू भर लिए हैं और फिर उसको बंद करके लोई को, फिर हम इसको चकली पर रख के थोड़ा सा आटा लगा के और फिर उसको गोल गोल बेल लेंगे। नहीं, बेलना तो आता ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि बेलना नहीं आता। और फिर उसको तवे पर डाला गरम गरम, और जो भी आपको अच्छा लगे, घी, बटर, ऑयल, रिफाइंड, देशी घी के पराठे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने डाल दिया ऑयल, और भाई देखो, मुझे वीडियो बनाने की तभी याद आई जब ये काफ़ी सारे पराठे बन चुके थे, सब लोग खा चुके थे। तो भाई थोड़ा सा गैस पर आटा वाटा बिखरा हुआ है और इतना ही चकले पर थोड़ा सा हो रहा है ये आटा जमा हुआ, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, वीडियो को एंजॉय एंजॉय करना। और भी बताना कैसा बना है मेरा आलू का पराठा। और आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है आलू। तो भाई आलू उबालो, आलू को छीलो, फिर मैश करो अच्छे से, उसमें अपने पसंद के मसाले डाल दो, स्वादानुसार नमक डालो, मिर्ची, छोटी छोटी बारीक कटी हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक ज़रूर डालना। मैं तो बहुत ज़रूर डालती हूँ अदरक, मुझे बहुत पसंद है। और हींग, वाह क्या स्वाद आता है ना हींग से। और थोड़ा सा डालना सूखा धनिया, सूखा धनिया उसका एक अलग ही स्वाद आता है। ये सब मसाले डालकर आप लोग आलू के पराठे बनाकर देखना भाई, मैं तो ऐसे बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा मेरा पराठा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो भाई मुझे अचानक से याद आया, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ अपना आलू का पराठा। तो वही ये देखिए, मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी टीचर्स डे अगेन।